हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि सिंह। तो आज ये जो वीडियो बना रहा है ये दो वजहों से बना रहा हूँ। पहली वजह तो ये है कि जब पैरासाइट जैसी मूवी ऑस्कर जीत सकती है, उसकी कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब तुम्बार जैसी मूवी को आप नजरअंदाज कर देते हो। तुम्बार मूवी को मैं बोलता हूँ 2018 में जब ये तुम्बार मूवी रिलीज हुई थी, उसके बाद से आज तक बॉलीवुड में कोई भी ऐसी फिल्म आई नहीं जो हम लोग कह सकते कि भाई ये वाकई में ऑस्कर डिजर्विंग मूवी है। तो इस मूवी को आपने ऑस्कर में क्यों नहीं भेजा, ये एक सवाल खड़ा होता है, और जो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इसके पीछे की वजह क्या थी। खैर, इस मूवी के बारे में हम लोग बहुत कुछ बताएंगे, और साथ साथ मैं यही बता दूं कि इस वीडियो को मेरे एक सब्सक्राइबर मुबारक पठान ने कहा था कि भाई तुम्बाड़ मूवी के बारे में आप रिव्यू करो, क्योंकि मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि उनके साथ साथ आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने तुम्बाड़ मूवी नहीं देखी है, आपको तुम्बाड़ मूवी की कुछ मेन बातें बता दूं, ताकि आप जब उस मास्टरपीस को खुद देखोगे तो आपको देखने में उसका जो मजा है वो मजा कहीं से भी खराब नहीं होगा। तो इस वीडियो में पूरी कहानी बताया था, लेकिन मैं आपको पूरी कहानी बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना ही वो जो एक्सपीरियंस है वो आपसे छीनूंगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, चाहे वो मेरी हिंदी ऑडियंस हो या साउथ की ऑडियंस हो, साउथ की ऑडियंस के लोग भी बहुत प्यारे, उन लोगों ने मुझे बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में सजेस्ट किया और मैंने देखा, मैंने उनकी फिल्मों को सराहा भी, क्योंकि फिल्में डिजर्व करती थी। तो आज मैं उन लोगों को इतना बोलूंगा, अगर आप लोग भी लैंग्वेज में फर्क नहीं करते हो तो आप लोग एक बार तुम्बाड़ मूवी जरूर देखना, आपको ये मूवी 100% पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो जैसे कि तुम्बाड़ मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगा जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी फिल्म बेस्ड है। सबसे मेन कैरेक्टर है हस्तर। हस्तर बेटा है पूर्ति की देवी का। पूर्ति की देवी 1600 करोड़ देवी देवता को जन्म दे चुकी, लेकिन उनका सबसे प्यारा बेटा था हस्तर। लेकिन हस्तर इतना लालची था क्योंकि पूर्ति की देवी सोने और अनाज का प्रतीक मानी जाती, तो हस्तर सोने पर तो अपना कब्जा कर दिया यानी कि गोल्ड पर, लेकिन जब उसने अनाज पर अपना हाथ मारना चाहा तो जितने जो बाकी देवी देवता थे वो हस्तर पर हमला कर दिए। इस हमले में हस्तर तिनखों में बिगड़ गया। इससे पहले कि वो मर जाता, पूर्ति की देवी ने हस्तर को बचा लिया, क्योंकि देवी हस्तर को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि हस्तर उनकी पहली संतान थी। लेकिन बचाने की शर्त ये थी कि अब हस्तर को कोई पूजेगा नहीं, और इसके बाद हस्तर देवी के कोख में सालों तक सोता रहा। लेकिन तुम्बाड़ गांव के लोगों ने हस्तर की एक मंदिर बना डाली, और वो मंदिर बनाने के बाद जो जितने भी देवी देवता थे वो इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि उस गांव में साल भर बारिश होती है, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होता जो वहां पर बारिश नहीं होती। लेकिन हस्तर का जो श्राप था वही उन लोगों के लिए वरदान भी था। वरदान क्या था वो सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर, इस मूवी के हस्तर के बाद एक और मेन कैरेक्टर वो है विनायक। विनायक अपनी फैमिली यानी इसकी माँ, उसका छोटा भाई, उसकी दादी के साथ उस गांव तुम्बाड़ गांव में रहता था। लेकिन जब आप विनायक की दादी को देखोगे तो उसकी दादी कुछ इतनी अजीब सी दिखती थी, मतलब इतनी भयानक सी दिखती थी कि आप लोग सोचोगे कि उसकी दादी जिंदा है कि मर चुकी है, मतलब उसके साथ क्या हो गया, जो मतलब आपके जहन में ना सवाल चलने लगते हैं। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और विनायक की माँ पास ही के एक वाड़े में काम करती है। वाड़ा मतलब आप एक घर समझ लो बड़ा सा, वहां पर काम करती है, और वहां पर से वो इसी लालच में काम करती है क्योंकि उसको लगता है कि वहां पर जो रहने वाला बूढ़ा आदमी उसको सोने का राज पता है, यानी कि खजाने का राज पता है, और उसी लालच में वहां पर वो काम भी करती थी, उसे सेक्सुअल प्लेजर भी देती थी। लेकिन एक दिन वो बूढ़ा आदमी मर जाता, और तभी उसको पता चलता है उसका जो छोटा बेटा वो झाड़ पर से गिर गया, और गिरने के बाद वो भी मर गया। तो वो इसी सदमे में उसकी जो लालच होती है वो लालच खत्म हो जाती है, वो अपने बड़े बेटे विनायक को उस गांव से लेके चली जाती है, और उसको बोलती कि तू दोबारा कभी भी तुम्बाड़ गांव वापस नहीं आएगा। लेकिन विनायक जो कि लालची किस्म का लड़का होता है, उसको पता होता है कि उस वाड़े में खजाना छुपा, और अब जो वो बूढ़ा आदमी मर चुका तो वो खजाना तो हमारा हुआ, लेकिन उसको खजाने के बारे में पता ही नहीं होता क्योंकि उसकी माँ को भी इस चीज के बारे में पता नहीं होता। खैर, अब इस मूवी की कहानी आगे बढ़ती है, और तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, मैं आपको बताना भूल गया कि इस मूवी की कहानी आपको 3 अलग अलग चैप्टर में नजर आएगी। यानी पहले चैप्टर 1918 में शुरू होता है, अब इस मूवी का चैप्टर शुरू होता है 15 साल बाद, जहां पर विनायक बड़ा हो चुका है और वो अपनी जो उसकी माँ थी उसकी माँ भी मर गई, तो अब माँ के मरने के बाद वो वादे का क्या मतलब हुआ। तो वो 15 साल के बाद तुम्बाड़ गांव वापस आता है। वापस आने के बाद वो अपने पुराने घर पे जाता है, जहां पर जाके देखता तो उस घर में बहुत बड़े बड़े पेड़ उगा होता है, और वहां पर एक उसको दिल धड़कते हुए मिलता है। वो दिल किसी और का नहीं बल्कि उसकी दादी का ही होता है, और दादी अब भी वहां पे जिंदा होती है। लेकिन वो एक कह सकते हो कि वो जिंदा रहने या मरा रहना कुछ मतलब ही नहीं था, मतलब बहुत अजीब सी दिखती है। तो वो अपनी दादी से पूछता कि क्या तुम्हें खजाने के बारे में पता है, तो उसकी दादी बोलती है तुम अगर तुम मुझे जला दोगे तब मैं तुम्हें खजाने का राज बता दूंगी। विनायक उसकी दादी को जला देता है, और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में उन्हें बताया कि विनायक उस वाड़े में जाता है, और उसके बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी।
मैं चाहता था आपको इस फिल्म की पूरी कहानी समझा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका जो एक्सपीरियंस हो एक्सपीरियंस खराब हो, क्योंकि आगे इस मूवी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस फिल्म की, वो है लालच। लालच से इंसान का क्या नुकसान होता है, क्या उसके फायदे होते हैं और क्या कुछ होता है उसकी जिंदगी में, ये सब कुछ जानने के लिए आपको एक बात उसे इस मूवी को देखना पड़ेगा। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने एक बार इस मूवी को देख लिया ना, तो आप इस मूवी को भुला नहीं पाओगे और आप हमेशा अपने आप से, अपने दोस्तों से और सभी लोगों से एक ही चीज बोलोगे कि यार इस मूवी में ऐसी क्या खामी थी जिसको ऑस्कर में नहीं भेजे, क्योंकि क्या पता ये मूवी ऑस्कर अवार्ड जीत जाती। क्योंकि यार इस मूवी के स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था, कहानी जबरदस्त, एक्टर्स का परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब इसमें कुछ भी खामियां नहीं थी भाई, चाहे वो सेट डिजाइन हो, मतलब ए टू जेड चीज इतनी बढ़िया थी कि मतलब आप इस फिल्म को देखोगे तो तारीफ करते करते थकोगे नहीं। लेकिन फिर भी बोलते ना बॉलीवुड की जो डर्टी पॉलिटिक्स है वो कभी खत्म नहीं होगी। कौन से चूतिया लोग हैं जो ऑस्कर की फिल्म नॉमिनेट करते हैं, जिनको तुम्हार जैसी फिल्म के बारे में समझ में नहीं आया या जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या थी। मैं बस इतना ही बोलूंगा कि आप लोग अच्छी अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करें, अच्छी अच्छी फिल्में देखें, एंटरटेन हो उससे, और उनके पीछे के जो लोग हैं उनको अप्रिशिएट करें ताकि उन्हें भी खुशी मिले और वो इस तरीके की जो मास्टरपीस है वो दोबारा बनाने की कोशिश करें। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में जरा भी कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन उसमें जो ऑल का ऑप्शन है उसे क्लिक कर देना। और हाँ, ज्यादा अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें और जो हैशटैग सपोर्ट गुड मूवीज को आगे बढ़ाए। तो टिल देन दुआ में याद रखना। और आज शाम को आपको एक हॉलीवुड सीरीज जिसका नाम है टॉम क्लेंसी जैक रायन, उसका सीजन वन और सीजन टू का रिव्यू आएगा आज शाम तक, क्योंकि अभी सीजन वन कम्प्लीट हो चुका है, सीजन टू चालू है। तो बस दोनों ही सीजन होने के बाद मैं उसका रिव्यू करूंगा शाम को। तो बस मिलते हैं शाम को, टिल देन दुआ में याद रखना।